हेलो दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज। पहला प्रश्न की हम बात करेंगे, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर के अंदर। आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1319 को यह घटना घटी थी, जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियों की बरसात की गई थी। ये आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है अमृतसर के अंदर, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तरह या स्टेट एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा 2 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो ये मुंबई के अंदर है, गेटवे ऑफ इंडिया। ये आप तस्वीर देख सकते हो, ये है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। अगला देखिए, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तस्वीर आप देख सकते हो रॉक गार्डन की। तो रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है? ये है, रॉक गार्डन की बात करें तो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन स्थित है। अगला देखिए 4 नंबर, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? एसएससी लेवल के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो उनका ये फेवरेट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि एसएससी के अंदर यानी सेंट्रल लेवल के अंदर शेर शाह का मकबरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये चित्र भी देख सकते हो आप, तो सासाराम जो बिहार के अंदर है, ये शेर शाह का मकबरा बना हुआ है। अगला देखिए, पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है? आप देख सकते हो मसूरी की बात करें तो मसूरी स्थित है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में ये देखो आप, ये पूरा इलाका मसूरी के अंदर आता है, यानी कितना कितना गजब जो है नजारा यहाँ पे देखने को मिलता है। हमें पिक्चर में इतना नजारा देखने को मिल रहा है, तो सोचो अगर हम वहां जाएं तो कितना नजारा हमें मिलने वाला है। तो जरूर घूमने जाएं गर्मियों के अंदर। अगला देखिए 5 नंबर, अनंत भवन स्थित है? अनंत भवन कहाँ पे स्थित है? आप तस्वीर देख सकते हो, ये है अनंत भवन, और ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है अपने इलाहाबाद के अंदर, अनंत भवन बना हुआ है। क्योंकि आपको पता है जीके से रिलेटेड सेंट्रल लेवल के एग्जाम में 25 से 30% पूछे जाते हैं। इन 25 से 30% के अंदर आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं प्रश्नों को जो है गलत नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। क्योंकि अनंत भवन जो शाहजहां का मकबरा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इलाहाबाद के अंदर है। तस्वीर लेकर आया हूँ साथ में ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो पाए। अगला देखिए, विवेकानंद रोक मेमोरियल स्थित है? विवेकानंद रोक मेमोरियल स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है रामेश्वर के अंदर। चित्र आप देख सकते हो, विवेकानंद रोक मेमोरियल। क्योंकि अगर आप राजस्थान पुलिस में तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, और जो भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनकी जीके आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला देखिए, हवा महल स्थित है? हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो हवा महल है जयपुर के अंदर, और जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। अगला देखिए 9 नंबर, वेलूर मठ अवस्थित है? ये चित्र देख सकते हो, ये है वेलूर मठ, और ये कहाँ पे स्थित है? वेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? तो ये है कोलकाता के अंदर, वेलूर मठ स्थित है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के डेली वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अगला देखिए 10 नंबर, कुतुबु मीनार स्थित है? कुतुबु मीनार कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है। चित्र आप देख सकते हो, ये है कुतुबु मीनार, और ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला देखिए, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? चित्र आप देख सकते हो, ये है हम्पी के खंडहर, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। कौन से? हम्पी के खंडहर। अगला देखिए, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य से में स्थित है? पोखरण कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के अंदर पोखरण स्थित है। अगला देखिए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी के अंदर। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी के अंदर, ये है बुलंद दरवाजा। अगला देखिए, खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो यानी मंदिर है खजुराहो के बने हुए, तो खजुराहो के मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अपने मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं। चित्र आप देख सकते हो। अगला देखिए, दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है? बहुत ही अच्छी जगह है दार्जिलिंग, आप चित्र में देख सकते हो, बहुत ही सुनहरी जगह है वहां पे। तो दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित हो जाए? दार्जिलिंग अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्या है ये? पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग स्थित है। अगला देखिए,
हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा के अंदर, तस्वीर आप देख सकते हो, ये है हाथी गुफा और ये हाथी गुफा है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग व सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग व सोनमर्ग ये है अपने कश्मीर के अंदर। आप चित्र देख सकते हो, ये है शान, गुलमर्ग और सोनमर्ग ये कहाँ पे है? कश्मीर के अंदर है। अगला देखिए, एतमादौला का मकबरा कहाँ स्थित है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के लेवल में। एतमादौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये है आगरा के अंदर। आगरा के अंदर एतमादौला का मकबरा, ये चित्र आप देख सकते हो, एतमादौला का चित्र है ये। अगला देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? चित्र में आप देख सकते हो, ये है अकबर का मकबरा और ये है कहाँ पे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा है, मोस्ट कर लेना इसको। अगला देखिए, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर के अंदर जहांगीर का मकबरा स्थित है। ये आप जो है पिक्चर देख सकते हो, ये है जहांगीर का मकबरा। अगला देखिए, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा है तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। चित्र आप देख सकते हो, ये है गोलकुंडा का किला। अगला देखिए, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो कपिल वस्तु है नेपाल के अंदर और ये कपिल वस्तु का स्थान देख सकते हो। अगला देखिए, मेरीना बीच कहाँ स्थित है? तो मेरीना बीच की बात करें तो चेन्नई के अंदर मेरीना बीच स्थित है, ये चित्र देख सकते हो, इसे कहते हैं मेरीना बीच। अगला देखिए, 25-24 नंबर, शाहजहाबाद कहाँ स्थित है? शाहजहाबाद कहाँ स्थित है? तो शाहजहाबाद स्थित है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला देखिए, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? पक्का एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, बाघ की गुफाएं पूछा है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये देखिए पिक्चर देख सकते हो, बाघ की गुफाएं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो है चित्र बने हुए हैं बाघ के, तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे देखिए, राष्ट्रपति भवन अवस्थित कहाँ पे है? जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन है कौन सी, तो रॉयल सीना पहाड़ियों पर कौन सा है संसद भवन बना हुआ है जहां पे राष्ट्रपति भवन, ये देखिए कौन सा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायलसीना की पहाड़ियों पर। अगला देखिए, जोहार सुरंग किस राज्य में स्थित है? जोहार सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है और चित्र आप देख सकते हो, इस प्रकार की कश्मीर के अंदर ये जोहार सुरंग बनी हुई है। अगला देखिए, महरौली लोह स्तंभ बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, महरौली लोह स्तंभ ये चित्र देख सकते हो, ये है महरौली लोहा स्तंभ और ये है कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है, कुल गुफाएं हैं इसके अंदर 29, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर। ये प्रश्न जो मैं लेके आया हूँ, ये एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर और अन्य जो स्टेट एग्जाम की तैयारी करें, जो एग्जाम है उनसे निकाल निकाल कर मैं डेली पेपर को डाउनलोड करके निकाल रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश के अंदर, ये है भीमबेटका की गुफा। आगे देखिए, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये है अपने नई दिल्ली के अंदर और ये आप चित्र देख सकते हो, देखिए व्यक्ति देखने के लिए आए हैं, तो भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला देखिए, बहमनी सुल्तानों का गोल गुबंज कहाँ स्थित है? देखिए, बहमनी सुल्तानों द्वारा बनाया गया था गोल गुबंज, ये चित्र आप देख सकते हो, गोल गुबंज ये कहाँ पे स्थित है? ये है अपने बीजापुर के अंदर। कहाँ पे? बीजापुर के अंदर। आगे देखिए, कन्हहेरी और कारले गुफाएं किस राज्य में है? तो ये बहुत ही मोस्ट हो जाता है, कन्हहेरी और कारले गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र के अंदर है, ये है कन्हहेरी की गुफा और ये है अपने कारले की गुफाएं, दोनों चित्र मैंने आपको दे दिए हैं। अगला देखिए, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ पे है? भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट के ऊपर। कहाँ पे है? इंडिया गेट के ऊपर। आगे देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? एसएससी के एग्जाम में पक्के इस प्रकार के, तो बीबी का मकबरा हो गया, शाहजहां का मकबरा हो गया, अकबर का जो है महल हो गया, ये सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो औरंगाबाद के अंदर है, ये याद रखना ना। ये देखिए, ताजमहल की तरह ही है सेम, ये है इस प्रकार का, ठीक है, बीबी का मकबरा। अगला देखिए, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये है कहाँ पे? त्रिवेंद्रम के अंदर, त्रिवेंद्रम के अंदर। अगला देखिए, 37 नंबर, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था?
बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था बोध गया के अंदर, कहां पे, बोध गया के अंदर। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं क्योंकि आपकी पहले से तैयारी है। आप इसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में इसका प्रत्येक प्रश्न का जवाब दीजिए, ताकि आपकी, जब मैं उत्तर बता रहा हूँ उत्तर से पहले आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी जीके आपका कितना परसेंट तैयार है। और ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो मान लो सेंट्रल लेवल की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं, हूबहू यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब उल इस्लाम, ये है दिल्ली के अंदर, कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। अगला देखिए, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है, ये देखिए चित्र आप देख सकते हो अशोक स्तंभ का, अशोक स्तंभ कहाँ पे है, सारनाथ के अंदर अशोक स्तंभ स्थित है। आगे देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, मोस्ट कर लेना इसके तो स्टार लगा लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो ये दिए थे श्रावस्ती के अंदर, वैशाली में नहीं दिए थे, श्रावस्ती आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए अजमेर के अंदर कुतुब उल इस्लाम मैंने अभी बताया था, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये कुतुब उल इस्लाम यहाँ पे अजमेर के अंदर नहीं है। अगला देखिए, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली में है लाल किला लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था लाल किले का, ये भी पूछा जाता है। देखिए, सांची स्तूप का निर्माण करने वाले मौर्य राजा कौन थे, सांची स्तूप का निर्माण करने वाले जो मौर्य राजा थे वो कौन थे, तो वो थे अशोक, कौन थे, अशोक मौर्य। अगला देखिए, होज खास किसने बनवाया था, होज खास किसने बनवाया था, तो ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने होज खास का निर्माण करवाया था। देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, शांति निकेतन की स्थापना बहुत ही गजब का है, ये देख सकते हो आप शांति निकेतन, इसकी जो है स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम क्या है, गीतांजलि, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो गीतांजलि किन की हो जाएगी, रविंद्रनाथ टैगोर की। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसने, किसमें श्री हरिकोटा स्थित है, किसमें श्री हरिकोटा स्थित है, यहां से भी प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जाता है, तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है कहाँ पे, ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंट वैली या मूग घाटी किस राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली और मूग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये है केरल राज्य के अंदर स्थित है। अगला देखिए, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, आदि शंकराचार्य द्वारा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, अद्वैतवाद, कौन सा, अद्वैतवाद इन्होंने सिद्धांत दिया था, आदि शंकराचार्य के द्वारा, इनके द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है, गार्डन नहीं है इनमें से, तो कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा इंडियन गार्डन कोलकाता, ये नहीं है, बाकी ये याद रखना है आपको, हेगी गार्डन मुंबई के अंदर है, वृंदावन गार्डन मैसूर के अंदर है, खुसरो गार्डन लखनऊ के अंदर। आज के टॉप मैंने आपको जो है क्वेश्चन दे दिए हैं, तो सभी विद्यार्थी मेरे साथ डेली जुड़ जाइए, डेली आपको जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करें या सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, एमटीएस की हो गई, एसएसबी की तैयारी कर रही हैं या बीएसएफ की तैयारी कर रही हैं या सीआरपीएफ की एग्जाम की तैयारी करें, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी करें तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मैं जो भी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं निकाल निकाल कर आपको एग्जाम में ये यहाँ पे दिया जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, और डेली हमारी जो है प्रताप क्लासेस पर डेली इंडिया करंट प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स की आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, तो उसको जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम हो 20% करंट के डेली डाले ही डाले जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।